नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश जोशी आम्रपाली इंस्टीट्यूट हल्द्वानी से हूँ और आज आप लोगों के सामने एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नया टॉपिक ईआर डायग्राम लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो स्टूडेंट्स, ईआर डायग्राम मीनिंग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो इसको पढ़ने से पहले इसमें करेंगे क्या, हमको पहले ये जानना होगा कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्यों हमको चाहिए ये। तो ईआर डायग्राम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूँ कि सपोज तीन स्टूडेंट्स बैठे हैं और आप तीनों को कहा जाए कि भाई तीनों लोग एक लाइब्रेरी पे डेटाबेस बनाइए। तो तीनों लोग क्या करेंगे, अपने अपने तरीके से, जैसे जिसको जो समझ में आ रहा है वो डेटाबेस बना के ले आएगा। अब प्रॉब्लम किसके लिए होगा, मेरे लिए। क्यों होगा, क्योंकि मुझे तीनों ने अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग अपने रूल्स के हिसाब से एक डेटाबेस स्केच कर दिया पेपर में। भाई किसी ने रेक्टेंगल यूज़ कर लिया है, किसी ने सर्कल में एक टेबल बना दी है, किसी ने खाली लाइन खींच दी है। तो इन ऐसी प्रॉब्लम, तो अब मेरे लिए क्या प्रॉब्लम होगा कि मुझे हर एक को बुला करके पूछना पड़ेगा कि आपने क्या बनाया है। तो वो मुझे बताएगा कि ये टेबल है, ये फील्ड है, ये डेटा टाइप है, फर्दर एंड फर्दर। तो इस सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ईआर डायग्राम का। तो ईआर डायग्राम है क्या, दीज आर द स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मतलब हमारे पास कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। इन रूल रेगुलेशन को ये कहा जाता है कि जो भी डेटाबेस या डीबीएमएस पढ़ेगा उनको ये सारे रूल्स पता होने चाहिए। इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को डेटाबेस पेपर में बनाना होगा। हम लोग डायरेक्टली सिस्टम के ऊपर बैठ के डेटाबेस स्केच नहीं कर सकते। सबसे पहला काम कंप्यूटर में बैठ के आपको डेटाबेस नहीं बनाना है, सबसे पहले डेटाबेस आपको पेपर में पिक्टोरियली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अब वो ग्राफिकली आप कैसे बनाएंगे, जब आपको उसके बारे में पता होगा तभी तो बनाएंगे कि भाई टेबल बनानी है। मैं कहता हूँ कि टेबल बनाओ पेपर में, तो टेबल कोई कैसे बनाएगा, कोई मैथ्स की टेबल के फॉर्मेट में लिख देगा, किसी कोई इंग्लिश के फॉर्मेट में लिख देगा। तो उस टेबल को बनाने के लिए मुझे उसका एक प्रॉपर, अब इसकी जगह पर अगर मुझे प्रॉपर पता हो कि मुझे क्या बनाना है, क्या उसके लिए मेरे पास ग्राफिक्स दिया हुआ है, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसका फायदा क्या होगा, अगर मान लीजिए वो तीनों स्टूडेंट्स ने ईआर डायग्राम बनाने के रूल्स पढ़े हुए हैं, तो तीनों ही स्टूडेंट का जो डायग्राम बन के आएगा वो ऑलमोस्ट एक ही तरीके का होगा। मुझे हर स्टूडेंट से पूछना नहीं पड़ेगा कि इसमें टेबल कहाँ पर है, इसमें फील्ड कहाँ पर है। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने वो रूल पढ़े हुए हैं, इसलिए ईआर डायग्राम की जरूरत होती है। तो ईआर डायग्राम को 1976 में पीटर चेन ने प्रपोज किया। इसके अंदर एक और मॉडल आएगा, फूड्स मॉडल, बट वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, तो इसीलिए पीटर चैन मॉडल को ज़्यादा पॉपुलर कहा गया है और इसी को हम लोग अपने इस फर्दर ईआर डायग्राम के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ईआर डायग्राम की डेफिनेशन अगर मैं पढ़नी हो तो रिप्रेजेंट कॉन्सेप्चुअल लेवल ऑफ डेटाबेस सिस्टम। कॉन्सेप्चुअल लेवल अगर आप समझ रहे हो तो मतलब पेपर रिप्रेजेंटेशन, पहले डेटाबेस को कॉन्सेप्ट में समझा जाए। जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये हम उसका फिजिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। यूज टू रिप्रेजेंट द पिक्टोरियल और ग्राफिकल नोटेशन फॉर डेटाबेस। तो ई आर डायग्राम एक्चुअल में हमको क्या देता है, ई आर डायग्राम हमको कुछ ग्राफिकल नोटेशंस देगा, कुछ पिक्टोरियल डायग्राम्स देगा। उन डायग्राम्स को यूज करते हुए हम लोग एक डेटाबेस बना सकते हैं। और सीधी सी बहुत, अभी डेटाबेस छोड़िए, सबसे पहले हम बात करें, हम एक टेबल बनाएं। तो अब मुझे एक टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने का तरीका ई आर डायग्राम में क्या होगा वो हम लोग अभी फर्दर उसमें डिस्कस करेंगे। तो ई आर डायग्राम में एंटिटीज, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट्स, ई आर ए, इन तीन वर्ड्स को मिनिमम ध्यान रखना है। होती बहुत सारी चीज़ें हैं बट सबसे पहले आपको बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो इसके लिए एंटिटीज, रिलेशनशिप्स और एट्रीब्यूट्स, ये तीन चीज़ें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एंटिटीज़ अगर मैं बात करूँ तो एंटिटीज़ जो भी टेबल है उसको कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस में हम लोग एंटिटीज़ कहते हैं। एट्रीब्यूट्स, टेबल के अंदर जितने भी फील्ड्स बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल इम्प्लॉई एक टेबल है तो इम्प्लॉई की आईडी, इम्प्लॉई का नाम, इम्प्लॉई की डेट ऑफ बर्थ और जो भी कुछ चीज़ें हैं वो सब एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। तीसरा टर्म है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का रोल तब आता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा टेबल्स हों। ऐसा इसलिए कि मुझे मान लो एम्प्लॉय टेबल को डिपार्टमेंट टेबल से कनेक्ट करना है, मुझे दिखाना है पेपर में कि इसको कनेक्ट किया गया है, तो इसके लिए मुझे रिलेशनशिप्स पता होनी चाहिए। अब इस ईआर डायग्राम को यूज़ कौन करेगा, स्पेशली जो लोग कोडिंग करते हैं, कोडर्स, जो भी प्रोग्रामर्स हैं जो इस डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे मशीन में, वो इस ईआर डायग्राम को देखते हुए ही कर पाएंगे। तो
तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट, मशीन में कुछ भी करने से पहले आपको वो पेपर में स्केच करना होगा। जब आपका पेपर में वो प्रॉपर बना होगा तो ही आप उसको आगे जा पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि नॉर्मलाइजेशन इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीज़न क्या है कि अगर आपको ईआर डायग्राम बनाना है तो ईआर डायग्राम अपने आप तो बनेगा नहीं, आपके पास कुछ टूल्स होंगे, तो उन रूल्स में ईआर पूरा पूरा नॉर्मलाइजेशन यूज़ किया जाता है। बिना नॉर्मलाइज मीन्स सिंपल से एक वर्ड में कहूँ तो विदाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन यू कैन नॉट डिज़ाइन द ईआर डायग्राम ऑफ आर डेटाबेस। तो याद रखिएगा कि इसके लिए सबसे पहले आप नॉर्मलाइजेशन जरूर पढ़ें और नॉर्मलाइजेशन के फंडामेंटल्स को क्लियर करें, तब ईआर डायग्राम पर आ पाएं। अगर आप पहले ईआर पढ़ेंगे फिर नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे तो दोनों ही समझ में नहीं आएंगे आपके। एंटिटीज, अब एंटिटीज को अगर ध्यान दें तो एंटिटीज डिस्टिंग्विशेबल थिंग इन द रियल वर्ल्ड, और सीधी सी भाषा में बड़े सिंपल से टर्म में डेटाबेस में जो भी टेबल होती है वो एंटिटी कहलाती है। जैसे आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा सामने और उसके अंदर एक वर्ड लिखा है एंटिटी, तो इसका मतलब अगर मेरे पास डेटाबेस में एक टेबल है एम्प्लॉय तो मुझे एंटिटी की जगह लिखना होगा EMP। मतलब एंटिटी किससे रिप्रेजेंट होती है? रेक्टेंगल से। एट्रीब्यूट्स, अब एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज भी कहलाती हैं, फील्ड्स भी कहलाते हैं और डोमेन्स वाला पार्ट भी कहलाते हैं डेटा टेबल का। तो इसमें एट्रीब्यूट्स के टाइप भी मैंने नीचे डिस्कस करने की कोशिश करी है, जैसे सिंपल और एटॉमिक एट्रीब्यूट। अगर नॉर्मल फॉर्म में आपको ध्यान हो तो पहला नॉर्मल फॉर्म कहता है टेबल मस्ट बी इन एटॉमिक, तो जैसे फोन नंबर, एम्प्लॉय आईडी, ये सब आपके सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं। कॉम्पोजिट, फॉर एग्जाम्पल आपको नेम को पूरा सेव ना करके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम करके सेव करना है, मतलब एक एट्रीब्यूट के तीन पार्ट्स, तो वो कहलाएगा कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। इसके बाद बात होती है मल्टी वैल्यू, ऐसे फील्ड जिनमें एक से ज़्यादा वैल्यूज पॉसिबल हैं, जैसे स्किल्स, लैंग्वेजेस नोन, अगर आपको बायोडाटा बना रहे हैं तो स्किल आपके एक से ज़्यादा होंगे, लैंग्वेजेस एक से ज़्यादा होंगे। इन जनरल तो ये अलाउ नहीं किया जाता, बट सपोज आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अलाउ करना है क्योंकि मल्टी वैल्यूड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इसके अगेंस्ट है, एटॉमिक इसके अपोजिट है, बट फिर भी मुझे अगर ज़रूरत है इसकी तो मुझे मल्टी वैल्यूड को यूज़ करना होगा। इसके बाद कॉम्प्लेक्स, जो कि मल्टी वैल्यूड और कॉम्पोजिट का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद आएगा डिराइव्ड, डिराइव्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डिराइव्ड में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का मतलब अगर सपोज मैं अपने डेटाबेस में डेट ऑफ बर्थ एंट्री कर रहा हूँ तो मेरे पास डेटाबेस में एक फील्ड बना हुआ है एज, तो एज मुझे एंटर ना करनी पड़े, वो डेट ऑफ बर्थ से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर डेटाबेस में इंसर्ट हो जाए, तो ऐसे एट्रीब्यूट कहलाते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। मतलब एज की जो वैल्यू है वो डिपेंड है डेट ऑफ बर्थ पे, कि डेट ऑफ बर्थ में वैल्यू डालिए एज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। और लास्ट वन की एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट का मतलब है प्राइमरी की। इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पे चेन और क्रो फूड्स दो मॉडल मैंने दिखाए हैं, इसमें से चेन मॉडल जो दिखा रहा है जो जनरल सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें एंटिटी कहलाएगी स्टूडेंट, जबकि स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट इनिशियल्स, स्टूडेंट ईमेल और स्टूडेंट फोन नंबर, यही सारी चीज़ें, ये सब कहलाएंगे इसके एट्रीब्यूट, और सारे ही इस समय एटॉमिक हैं, सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि मैक्सिमम किसी भी डेटाबेस में अगर हम एक ट्रेंड फॉलो करें तो 90-95% सिंपल एट्रीब्यूट ही होते हैं, बाकी जो कॉम्बिनेशंस हैं वो सिर्फ किसी भी डेटाबेस में 5% के लिए बनाए जाते हैं। 90-95% हमारे पास बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसके बाद एक और तरीका साइड में लिखा गया है ईआर मॉडल का, क्रो फूड्स मॉडल। इसमें आप देखें तो मैंने एक रेक्टेंगल अप्रोच का यूज़ किया है, बट अभी हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो इसमें इसका डिस्कशन हम फिर कभी करेंगे, तो अभी हम लोग चेन मॉडल पे ही फोकस करते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर्स मतलब प्राइमरी कीज ईआर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट होंगी, इसको आगे हम बेहतर होगा कि हम अभी एग्जाम्पल में भी इसको देखें। वैसे अंडरलाइंड इन ईआरडी, ईआर डायग्राम में कोई भी एट्रीब्यूट अगर अंडरलाइन किया गया है तो इसका मतलब वो प्राइमरी की है। की एट्रीब्यूट्स, जैसे ध्यान दें आप यहाँ पर कार एक एंटिटी है, जबकि कार का व्हीकल नंबर, मॉडल, कार का ईयर और कार का कलर, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें आप ध्यान देंगे तो कार के व्हीकल नंबर पे अंडरलाइन किया गया है, तो इसका मतलब कार व्हीकल नंबर इज अ की एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्यों? क्योंकि हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि दो टेबल्स को हम रिलेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास फीचर आएगा रिलेशनशिप का,
एन एसोसिएशन अमंग वन एंटिटीज, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन एक से ज्यादा एंटिटीज के बीच में। जैसे एग्जाम्पल आप देखें, चेन मॉडल में एक डायमंड यूज किया है मैंने, दो रेक्टेंगल्स हैं और एक डायमंड यूज किया हुआ है, तो ये क्या शो कर रहा है? रिलेशनशिप को, ये बता रहा है कि टेबल वन और टेबल टू कनेक्ट करी गई है। ये रहा ईआर डायग्राम का एक जनरलाइज एग्जाम्पल, जिसमें मैंने कस्टमर और लोन टेबल को कनेक्ट करने की कोशिश करी है और बोरोअर रिलेशनशिप को नाम दिया है। बोरोअर इज अ रिलेशनशिप, जबकि कस्टमर और लोन इज अ एंटिटी और अ टेबल। कस्टमर टेबल में आप ध्यान देंगे तो कस्टमर आईडी इज अ की एट्रीब्यूट, जबकि कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट एंड कस्टमर सिटी, ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट द कस्टमर। तो कोई भी यूजर अगर जब टेबल बनाएगा तो वो कस्टमर टेबल बनाएगा और उसके अंदर ये चार एट्रीब्यूट्स इनपुट करेगा। जबकि लोन हमारे पास एक और टेबल है जिसमें लोन नंबर और अमाउंट हमने लिया हुआ है। लोन टेबल में लोन नंबर इज अ की एट्रीब्यूट। तो ये आपके सामने एक बेसिक ईआर डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है। ये उसी ईआर डायग्राम को हमने और थोड़ा डिटेल किया है। इसमें हम लोगों ने कोशिश करी है कि हम यहां पर कॉम्पोजिट भी लें और डिराइव भी लें। तो कॉम्पोजिट अगर आप ध्यान देंगे, कस्टमर टेबल वापस देखिए, कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी को मैंने अंडरलाइन किया है, कस्टमर आईडी इज अ की एट्रीब्यूट। और सबसे इंपॉर्टेंट, फोन नंबर पे आप ध्यान से फोकस करिए, कस्टमर टेबल में फोन नंबर, उसको मैंने डबल ओवल दिया है, दो बार उसको ओवरराइट किया है। तो फोन नंबर इज अ मल्टी वैल्यूड हियर। इसका मतलब यह है कि कस्टमर टेबल में फोन नंबर एक ऐसा फील्ड होगा जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज अलाउड होंगी। इसके अलावा नेम फील्ड को आप वापस देखिए, तो नेम फील्ड में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तीन फर्दर एट्रीब्यूट्स में उसको बांट दिया है, मतलब नेम के तीन सब एट्रीब्यूट्स बना दिए हैं। अब डेटाबेस बनाते समय इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि नेम एट्रीब्यूट हमारी टेबल में नहीं बनेगा। टेबल में कस्टमर टेबल होगी, कस्टमर आईडी होगी और एट्रीब्यूट नेम की जगह पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तीन एट्रीब्यूट्स बनाए जाएंगे। इस चीज को याद रखिएगा कि नेम सिर्फ पिक्टोरियली रिप्रेजेंट हो रहा है, फिजिकली नेम नहीं बनेगा। कस्टमर टेबल में आ जाएं, कस्टमर टेबल में एज को देखें आप, एज को मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, तो इसका मतलब है कि एज इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी, इसमें डायरेक्ट डेटा इनपुट नहीं होगा। एड्रेस को वापस देखें तो एड्रेस से मैंने स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और जिप कोड, चार मल्टी वैल्यूड बनाए, और जबकि स्ट्रीट को फर्दर एक और फर्दर मार दिया है, मतलब एक तो बेसिक एट्रीब्यूट, उसका एक कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट और कॉम्पोजिट के भी कॉम्पोजिट बना दिया है मैंने स्ट्रीट को, देखिए। तो ऐसे हम कितने भी लेवल तक बना सकते हैं, मगर याद रखना होगा कि जब आप कस्टमर में जाएंगे तो आप एड्रेस नाम से कोई भी एट्रीब्यूट नहीं बनाएंगे, आप सबसे पहले बनाएंगे स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम और डिपार्टमेंट नंबर। याद रखिएगा, स्ट्रीट और एड्रेस, मतलब जो भी एट्रीब्यूट, फाइनली अगर सिंपल वे में कहें, जो भी एट्रीब्यूट फर्दर कॉम्पोजिट होता है वो फिजिकली टेबल में नहीं बनाया जाता, उसके जितने भी कॉम्पोजिट सेक्शंस हैं उन्हीं को बनाया जाएगा। रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान दें कस्टमर और अकाउंट टेबल पे। तो यहां पर डिपॉजिटर रिलेशनशिप बनाई गई है एक्सेसिंग डेट के साथ। इसमें एक्सेस डेट का मतलब अगर आप समझ रहे हो, मैंने एक फील्ड दिया है एक्सेस डेट, जिसको कि डायमंड शेप से मैंने लिंक किया, तो इसका मतलब यह है कि एक्सेस डेट कस्टमर टेबल में भी बनेगा और अकाउंट टेबल में भी बनेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे कि अगर डायमंड शेप में किसी एट्रीब्यूट को लिंक करा गया है तो इसका मतलब ये एट्रीब्यूट कनेक्टिंग एट्रीब्यूट है दोनों टेबल के लिए, ये दोनों में कॉमन होगा, इस टेबल के, इस फील्ड के बेसिस पे ही दोनों टेबल जोड़ी जाएंगी। अब यहां पर हमको इसकी टाइप जानना बड़ा जरूरी है, वन टू मैनी रिलेशनशिप। अब वन टू मैनी का मतलब क्या है, अगर आप वापस ध्यान दें तो बोरोवर में देखिए, बोरोवर डायमंड को देखिए और दोनों एंटिटीज को देखिए, कस्टमर और लोन को, तो कस्टमर की ओर को जो लाइन खींची है बोरोवर से वो डायरेक्शन वाली लाइन है, जबकि लोन की ओर को सिंपल लाइन है। तो इसका मतलब अगर आप समझ रहे हो तो इसका मतलब है वन टू मैनी, मतलब एक कस्टमर होगा जिसको एक ही लोन है जिसके पास, इसका मतलब है वन टू मैनी। वन टू मैनी का मतलब एक कस्टमर कई सारे लोन्स। अगर सीधे सीधे देखें आप यहाँ पर, कस्टमर का मतलब क्या है, एक ही कस्टमर है, कस्टमर आईडी सपोज वन, कस्टमर का नाम एबीसी, कस्टमर की एड्रेस स्ट्रीट सिविल लाइंस सिटी हल्द्वानी, ये डेटा आपने लिखा। अब
इसके बाद लोन की अगर मैं बात करूं तो लोन नंबर हो सकता है कि 1 2 3, उसने 3 लोन लिए हो, तो कस्टमर 1 के अगेंस्ट कितने लोन है? 3 लोन है। तो इसका मतलब ये कौन से रिलेशनशिप हो गई? 1 to many रिलेशनशिप, मतलब एक कस्टमर या एक बोरोवर जो 3 लोन लेके बैठा हुआ है, तो इसको कहेंगे हम लोग 1 to many रिलेशनशिप। नेक्स्ट, many to 1, ये ठीक अपोजिट। इसमें अब आप ध्यान दें तो लोन की ओर, वो जो लाइन अभी तक कस्टमर की ओर थी, अब वो लोन की ओर चली गई है। इसमें हमको टेबल को एक तरीके से अपोजिट पढ़ना होगा। यहां पर हम लोग कहेंगे कि एक लोन, मान लीजिए लोन नंबर 1, हो सकता है कि 3 कस्टमर ने वो लोन लिया हो। होता है ना कि हम लोग ज्वाइंट कस्टमर होते हैं, कई बार लोन एक कस्टमर नहीं लेता, 1 2 3, मान लीजिए मैंने कहा हम तीनों कस्टमर्स हैं, हम तीनों कस्टमर्स ने मिल करके लोन L1 लिया है, तो ये क्या कहलाएगा? यहां पर क्या है? मैनी कस्टमर, मगर लोन कितना है? 1। लोन 1 इज एसोसिएटेड विथ कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, तो ये कहलाएगी many to 1, क्योंकि मैनी कस्टमर्स हैं बट लोन 1 है, तो ऐसी रिलेशनशिप कहलाएगी many to 1। मीन्स रिलेशनशिप की जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो डेटा पर है। और लास्ट में many to many, इस केस में दोनों डायरेक्शन लाइंस खत्म हो गई हैं, अगर ध्यान दें आप तो कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब many to many, कई सारे कस्टमर्स कई सारे लोन्स। हो सकता है कि एक कस्टमर ने 10 लोन लिए हो, या 10 लोन एक कस्टमर को दिए गए, या वही लोन में कई सारे कस्टमर्स हो। जनरली 1 to many या many to 1 को ही फॉलो किया जाता है। many to many रिलेशनशिप थियोरिटिकली तक तो ठीक है, मगर प्रैक्टिकल एक्सपोजर में अगर कोई भी डेटाबेस many to many को एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो ये उसके लिए एक खराब सिचुएशन मानी जाती है। तो जितना पॉसिबल हो many to many को अवॉइड किया जाए। थैंक यू।